ये देखो बिल्कुल फ्रेश ट्राला यहाँ पे, वाह यार चमक रहा है भाई। गॉड ये सारी नई गाड़ी है यहाँ पे, नई। तो जी सरहंद में पहुंच गए हैं हम, और यहाँ पे आपको खाली गाड़ियाँ और चेसी मिल जाएंगी नई। वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और सलामत रखे। तो गाइज कल हम आए थे लोहे की फैक्ट्री में, आपने देखा ही कल शाम को। तो मैंने आपको बोला था आज के ब्लॉग में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी जो है अनलोड कैसे होती है और आगे लोहा पिघल के कैसे जाता है, मैं सारा कुछ डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी अभी सुबह का टाइम है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी वेटिंग में है, गाड़ी कब अनलोड होगी। तो हमारे पहले दो गाड़ियाँ हैं, दो गाड़ियाँ अनलोड हो जाएंगी उसके बाद हमारी। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है, क्योंकि आपको दिखेगा आज भाई गाड़ी यहाँ पर अनलोड कैसे होती है। तो यहाँ पे ना मैग्नेट से अनलोड होता है, तो वो देखने का कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा, लोहा कैसे पिघलता है ये वो। तो चलिए गाइस करते हैं अपना ब्यूटीफुल सा ब्लॉग शुरू। तो जी गाड़ी हमारी अनलोड होने के लिए जा रही है और देखते जाओ कैसे अनलोड होता है, ठीक है। तो गाइस छत के ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊंगा मैं पूरा कंप्लीट तरीके से कैसे अनलोड होता है, ठीक है। तो जी यहाँ पे गाड़ी के जो बत्ते होते हैं ना, ये जो ये फट्टी है, ये भी यहाँ पे बोला है इनको खोलने के लिए, क्योंकि मैग्नेट आएगा और मैग्नेट से ही अनलोड होगा। तो जी गाड़ी होने लगी अनलोड। तो जी इन्होंने एक छोटी सी गाड़ी रखी है यहाँ पर, यहाँ से उठाकर और उस गाड़ी में डालते हैं, और उस गाड़ी से आगे की तरफ बहुत बड़ा भट्ठा है, वहाँ पे वो पिघलने के लिए जाता है। तो जी लोहे को इस हाइड्रोलिक मशीन में डाल के प्रेस करके स्क्वायर बना के ना फिर से पिघलाने के लिए भेजते हैं। गैस सिलेंडर को पिचका रहे हैं भाई। तो जी यहाँ से जो ये स्क्वायर में हाइड्रोलिक मशीन में बन के यहाँ से फिर ये मैग्नेट उठा लेता है। तो जी गाड़ी अपनी हो गई है अनलोड, और एजाज भाई फट्टा फुट्टा लगा के, तो अभी बस। तो जी एजाज कर रहा है अपनी गाड़ी मोड़, और निकलने का टाइम आ गया है। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. तो जी आयरन फैक्ट्री से निकल के अब जा रहे हैं हम सीधा सरहंद, और सरहंद में गाड़ी की वॉशिंग होगी। तो जी सरहंद में पहुंच गए हैं हम, और यहाँ पे आपको खाली गाड़ियाँ और चेसी मिल जाएंगी नई। ये देखो यार कितनी सारी हैं, पूरी लाइन दिख जाएगी आपको यहाँ पे, जहाँ पे नई गाड़ियाँ बनती हैं।
ये देखो बिल्कुल फ्रेश ट्राला यहाँ पे, वाह यार चमक रहा है, वाह एक गॉड। ये सारी नई गाड़ी है, यहाँ पे नई गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये पीछे वहाँ पे सारे मतलब बड़े बड़े कारखाने हैं इनके, जहाँ पे ये गाड़ियाँ मतलब बन रही हैं। तो जी गाड़ी लग पड़ी है सर्विस सेंटर में भाई। तो जी सुबह से हमने चाय नहीं पी, तो चाय दो तीन कप ले आते हैं, ठीक है। तो जी आपको ना इधर पन्नी में चाय मिल जाएगी और डिस्पोजल अलग से मिल जाएंगे, कहीं भी ले जाओ साइड में जाके पी के मस्त अपने। तो जी गाड़ी ठीक ठाक वॉशिंग हो रही है अभी। तो जी अभी तक उसको पानी वानी मैं ही मार रहा था, तो अभी अंकल ने बोल दिया भाई बेटा बस बस करो। और ना यार अंकल जो है ना बहुत अच्छे अंकल है यार, बहुत ज़्यादा। इन्होंने कम से कम आधे घंटे से मेरे साथ बातचीत की, और यार यहाँ के लोग जो है ना सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार। तो ये अपनी मतलब पुरानी बातें बोल रहे थे, तो सुन के बड़ा मज़ा आ गया। और जी हमारी गाड़ी देखो यार क्या चमक रही है, अब मज़ा आएगा ना। तो गाइस 3:30 बजे हम यहाँ आए थे, और 4 बजे से वॉशिंग शुरू हुई थी, और अभी तक वॉशिंग चल रही है। और टाइम इस टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं। और ना ऊपर वाला एरिया जो वो सारा साफ़ हो गया, अब नीचे से लाया गया है, तो अंधेरा भी हो रहा है, तो देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो जी गाड़ी बाहर से बिल्कुल फ्रेश हो गई है, अंदर से नीचे से सब कुछ जो है। तो जी एजाज अभी अंदर गया हुआ है और ना अंदर धो रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई। तो जी एजाज ने भाई बाहर से धुलवाई थी, अंदर से बिल्कुल खुद धो रहा है ठीक ठाक करके। तो जी गाड़ी चमक गई भाई। तो जी गाड़ी बिल्कुल वॉश हो गई है, बिल्कुल अच्छी और चमक रही है। तो टाइम भी हो रहा है इस टाइम 7:45 बज रहे हैं। गाइस मेरे को आपको पता ही है एडिटिंग करनी पड़ती है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। तो आजकल के ब्लॉग्स जो है थोड़े लेट आते हैं, क्योंकि यार एडिटिंग करनी फिर ब्लॉग्स बनाना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट डालता हूँ। तो गाइस मेरे को लगता है आज का ब्लॉग अब यहीं तक रखते हैं, तो आज हम लोड नहीं करेंगे, सुबह देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आपको कल के ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस दीजिए इजाज़त, आज के ब्लॉग में मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, बाय।